परिशिष्ट मेंडल का एक और नियम, अनादर लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों के अनुवांशिकी का अध्ययन करने के लिए दो लक्षणों का अध्ययन साथ साथ किया। उदाहरण के लिए उन्होंने लगभग 600 बीजों में गोल और पीले कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई दाने वाले बीज और झुर्रीदार हरे स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई दाने वाले बीज के पौधों पर परागण करवाया। जनक पौधे के दोनों गुण यानी गोल पीले या झुर्रीदार हरे शुद्ध थे। इस तरह बने बीजों से जो पौधे बने उस सब में दाने गोल पीले थे। यह तो हम जानते ही हैं कि अगर दानों में गोल और पीले रंग के कारक प्रभावी हैं तो पहली पीढ़ी में सारे पौधों में दाने गोल पीले होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मेंडल को इसकी दूसरी पीढ़ी में निम्न परिणाम मिले, 315 में गोल पीले दाने, 101 में झुर्रीदार पीले दाने, 108 में गोल हरे दाने, 32 में झुर्रीदार हरे दाने। इनका लगभग अनुपात निकाले तो 9:3:3:1 निकला। मेंडल के सामने सवाल था कि यह अनुपात कैसे आया। यह तभी संभव था यदि इनके पराकरण और बीजांड इस प्रकार बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। द्विसंकर क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग गुण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में अगली पीढ़ी तक युग्मकों द्वारा पहुंचते हैं। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कहा गया।